Click the subscribe button and press the bell icon for all notifications. हाय मेरे प्यारे बच्चों, मैं विकास श्रीवास्तव। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास नाइन्थ का मैथ पढ़ेंगे। नया एक्सरसाइज है पॉलीनोमियल बहुपद। ठीक है, बहुपद शुरू करना है पॉलीनोमियल। आइए पहले ना पॉलीनोमियल का डिफिनेशन हम लोग जान लें। पॉलीनोमियल होता क्या है, हिंदी में लिख भी लो आप लोग, फिर मैं समझा देता हूँ। ऐसा बीजी व्यंजन जिसमें दिए गए चर का घात पूर्णांक हो। पूर्णांक जानते हैं ना, वो पूर्णांक होना चाहिए चर का घात, बहुपद कहलाता है। जैसे जैसे ना इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं बहुपद। इंग्लिश में द अल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल विल बी इंटीजर इज कॉल्ड पॉलीनोमियल। एग्जाम्पल में ये अब आप देखो इंटीजर क्या होता है, चर की घात पूर्णांक होना चाहिए। पावर टू है यहाँ, चर इसमें कौन है, यक्ष। चर आपको पता होना चाहिए, अ से नार से ज्ञ से ज्ञानी तक होता है, ए से जड़ तक होता है। जैसे यहाँ यक्ष यक्ष, तो यक्ष आपका चर हो गया। इसके घात पर चलिए, यहाँ यक्ष पे वन घात है, यहाँ यक्ष पे दो घात है, पूर्णांक तो है, तो ये आपका बहुपद हो जाएगा। ये भी इसमें भी एक चर है केवल वाई, इसमें भी चर है टी टी, लेकिन घात इसमें देखिए वाई की पावर टू है, इसमें घात करड़ी में टी आ गया है। और अगर किसी संख्या में के ऊपर करड़ी लग जाए तो करड़ी का मतलब उस पर घात एक बटे दो माना जाता है। अगर यहाँ रूट वाला थ्री आ जाए पावर, तो वन बाई थ्री, फोर आ जाए तो वन बाई फोर, और कुछ ना रहे तो केवल वन बाई टू, मतलब टी पे घाते हाफ। और टी पे घाते जो हाफ है एक बटे दो, वो बहुपद नहीं है, वो पूर्णांक नहीं है, बटे में आ गया ना, तो बटे कहाँ पूर्णांक में आता है। पूर्णांक तो जीरो, दो तीन चार पाँच, पॉजिटिव हो गया उधर, जीरो से उधर, इधर माइनस एक माइनस दो निगेटिव हो गया। तो ये वैरी ये बहुपद में नहीं आएगा, ये बहुपद में आएगा। वाई पावर ऊपर लेके आएंगे तो माइनस वन, और माइनस वन आपका इंटीजर है। लेकिन ये देखिए ये भी बहुपद है, बट एक एक्स है वाई है टी, तीन चर वाला बहुपद है। अब आइए अपने क्वेश्चन पर आते हैं। अगर केवल एक चर दिया हो तो एक चर वाला बहुपद, दो चर दिया हो तो दो, तीन चर वाला ये बहुपद है। फिलहाल हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्न में कौन कौन से एक चर वाला बहुपद है, केवल एक चर आना चाहिए क्वेश्चन में, और कौन नहीं है, उत्तर कारण सहित उत्तर दीजिए। वही सेम चीज इंग्लिश में, विच आर पॉलीनोमियल वन वेरिएबल, गिव योर आंसर इन विथ रीजन, हाँ और विच आर नॉट, ये बताना है कौन है कौन नहीं है, कारण बताइए। तो पहला क्वेश्चन है आपका, सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट वाले पार्ट को, तो फोर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस सेवन है ना। इसमें वेरिएबल सर्च करिए एक्स है, एक्स की पावर एक है, एक्स की पावर दो है, और एक वेरिएबल है भी पूरे क्वेश्चन में एक्स, पावर भी इसका पूर्णांक है एक और दो, तो इसलिए यह एक चर वाला बहुपद है। लिखेंगे कैसे, चूंकि चर एक्स की घात पूर्णांक है इसलिए यह एक चर वाला बहुपद है, बहुपद है। और बढ़ा के और अच्छे से लिखना है, तो चूंकि चर एक्स की घात एक और दो है जो कि पूर्णांक है इसलिए एक चर वाला बहुपद है। इंग्लिश में बिकॉज द पावर ऑफ वेरिएबल एक्स इज वन एंड टू, सो इट इज पॉलीनोमियल इन वन वेरिएबल, ऐसे आप लिख लोगे राइट। इसको भी लिख दोगे क्योंकि वहां तो अंडर रूट टू पे लगा है ना, कि वाई पे लगा है, यहाँ लिख देंगे वाई की घात दो है जो कि पूर्णांक है इसलिए एक चर वाला बहुपद है। इंग्लिश में जैसे मैंने बताया वैसे लिख देंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, टी अंडर रूट टी आ गया है तो क्या लिखेंगे, टी पे पावर एक बटे दो, तो लिखेंगे चूंकि, मैं बता रहा हूँ लिखते भी चलेंगे और समझते भी, या लिख लेंगे समझ लें फिर लिख लें, जैसे भी है आपके हाथ में वीडियो है, आराम से दो बार तीन बार वॉच करिए। ठीक है, तो थ्री अंडर रूट टी प्लस टी अंडर रूट टू, टी जो है आपका चर आया अंडर रूट में, क्या लिखेंगे स्टेटमेंट में इसका क्वेश्चन नोट करने के बाद, चूंकि टी चर टी पर घात एक बटे दो है जो कि पूर्णांक नहीं है इसलिए यह चर वाला बहुपद नहीं है, यह है एक माइनस पूर्णांक में आता है यह वाला। यहां लिख देंगे चूंकि चर एक्स वाई टी तीन चर है, चूंकि एक्स वाई टी तीन चर है इसलिए यह एक चर वाला बहुपद नहीं है, केवल एक चर होना चाहिए, बस यही कारण था, ऐसे आप इसको सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को क्या कह रहा है।
अगले क्वेश्चन में जाने से पहले आप इसको देख लो ना, ये वाई है ठीक है, लेकिन ये टू अपॉन वाई है, जब वाई को ऊपर लेके आओगे तो वाई पावर माइनस वन, पावर माइनस में नहीं होना चाहिए बहुपद की, ये भी एक क्वालिटी की पावर आपका माइनस में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ क्या लिखेंगे, चर वाई पे पावर माइनस एक जो कि ऋणात्मक है, इसलिए बहुपद नहीं, ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर टू देखिए। तो ये क्वेश्चन नंबर टू आपका क्या कह रहा है, ये फर्स्ट था सेकेंड, देखिए क्वेश्चन नंबर टू इसमें कह रहा फाइंड आउट कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, हिंदी में एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए। बहुत आसान है, एक्स स्क्वायर का गुणांक आपको बताना है एस ओ एल वी साल, एक्स स्क्वायर का गुणांक आपको बताना है। तो देखिए ना, एक्स स्क्वायर कहाँ है, यहाँ एक्स स्क्वायर किस चिन्ह के साथ है, प्लस के साथ है, कितने का गुणा हुआ है, कुछ नहीं है तो वन। एक्स स्क्वायर में कितने से गुणा हुआ है चिन्ह सहित, बस वही एक्स स्क्वायर का गुणांक कहलाता है। जैसे पहला क्वेश्चन हमने ले लिया तो दो प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पर वन है प्लस वन, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक वन होगा प्लस, यही आपका आंसर हो जाएगा। सेकेंड ले लीजिए माइनस वन होगा, इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं, जीरो हो जाएगा। इसमें एक्स स्क्वायर के साथ पाई बाई टू है, तो लिख देंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक इज इक्वल टू पाई बाई टू, या कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाई टू, और ये थर्ड पार्ट है आपका, ये पाई बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ऐसे करके भी लिख सकते हैं पाई बाई टू आंसर, या नीचे एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर पाई बाई टू, आप लिख दीजिए जिससे गुणा हुआ है एक्स स्क्वायर में, पाई बाई टू से हुआ है पाई बाई टू। बस इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सारे वीडियो ऑटोमेटिक मिलते रहेंगे। थैंक यू।